स्टील कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट किया और मेटल में 2 दिन में अच्छा बाउंस भी आया है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी है और वर्ल्ड में भी देखा जाए तो बहुत मतलब अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज आती है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 मिलियन टन पर एनम की काफी अच्छी खासी है। अब अगर हम इसके चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि मेटल्स मुझे लगता है कि जो डिसम्बर एंड के बाद जो चार्ट्स की फॉर्मेशन हुई है, पूरे मेटल पैक को एक तेजी की तरफ यहाँ पे दिखा रही है। टाटा स्टील मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पे इनको मैं राय दूंगी कि पोजिशन कंटिन्यू करें। वैसे भी मैम का जो नजरिया है वो कुछ मंथ्स का है, मेरे हिसाब से अगर कुछ मंथ्स के व्यू से ये रखेंगे तो इनको 135 से लेके 138 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। तो राय यही रहेगी कि बने रहें अपनी पोजीशन में, और चाहे तो सेफर साइड पे स्टॉप लॉस 111 का इन्होंने खरीदी की है तो उसी का लगा लें, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के भी ये काम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉप लॉस 94 के लेवल का भी रहता है। तो इन्हें डिसाइड करना है कि ये नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं या कॉस्ट का, लेकिन अभी इनको रुकना है और मेरे हिसाब से कुछ महीने तक अगर ये बनी रही तो 135 तक के लेवल भी ये काउंटर दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह है। तो आपके लिए योगिता जी यही राय कि आप बनी रहिए इसके अंदर, अगर आप बने रहते हैं तो 134 तक के लेवल्स शायद देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। एक बड़ा जो हिस्सा है बिकवाली का वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो बेटर यही कि एटलीस्ट अभी तो आप बनी रहें इसके अंदर। अब आप क्योंकि स्टील कंपनी की बात ही करें तो स्टील कैपिटल की तरफ भी चलते हैं, भिलाई चलते हैं, वहाँ पर